निर्मला सीतारमन ने 7वीं बार बजट आज संसद में पेश किया और इसी के साथ साथ एक नई स्कीम भी लॉन्च हुई जिसमें यूथ को इंटर्नशिप करने के पैसे मिलेंगे। सिर्फ यूथ को ही पैसे नहीं मिलेंगे बल्कि जो कंपनियां इनको ये इंटर्नशिप्स देंगी उनको भी इसमें कई सहूलियत मिलेंगी। हमारे साथ राजन नवानी जी हैं, जेटलाइन कंपनी ग्रुप ऑफ कंपनी से आते हैं। सर आप सर जी बिजनेस में सबसे पहले आपका स्वागत है। सर इस बार का बजट कितना खास रहा? ओवरऑल अगर देखा जाए किस तरीके का बजट आप इसको मानते हैं? एवरेज, गुड, किस तरीके की रेटिंग आप इसको देंगे? और अगर देखा जाए मिडिल क्लास के लिए, यूथ के लिए, जॉब क्रिएशन में, इन सब चीज़ों में काफ़ी स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च की गई, किस तरीके से देखते हैं बजट को? नहीं, बहुत सही कहा आपने। मैं तो आई कंसिडर दिस एज अ वेरी गुड बजट, पर्टिकुलरली जिस तरह से आपने यूथ के बारे में बात की है। You know, we work closely with all Gen Zs, ये सब all the people born from 1995 onwards, उनके साथ सारे उनके जो passions हैं, you know, e-sports, video gaming, so many new age areas में हम उनके साथ काम करते हैं जहाँ technology और livelihoods, ये दो चीज़ों के लिए उनकी काफ़ी चीज़ें की needs इस बजट में प्रूव हुई हैं। यू नो, आपने कहा था इंटर्नशिप्स वेदर हैं कि फर्स्ट जॉब की सैलरी गवर्नमेंट देगी। आई मीन ये बहुत ही यूनिक स्कीम है, बहुत ही बढ़िया, मेरी इंसेंटिव है यंग पीपल के लिए। यू नो द फैक्ट दैट टुडे द यंग पीपल हु आर बिकमिंग एंटरप्रेन्योर्स, जो स्टार्टअप वर्ल्ड में जा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम सब बात करें कि कैपिटल गेंस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस बढ़ गई है, वो लिस्टेड इक्विटीज़ के लिए, लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के लिए, पर सारे जो स्टार्टअप्स हैं और काफ़ी प्राइवेट एंटरप्राइजेज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस 20+% से पहले रहता था, तो अभी रैशनलाइज होकर एक लेवल पे आया है। सो फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, न्यू एज बिजनेसेस में एक्चुअली इट विल बी अ बिग बूस्ट। डोमेस्टिक कैपिटल आएगा, ग्लोबल कैपिटल आएगा, यू नो, एंड आई थिंक दैट्स ऑल गोइंग टू प्रोपेल बोथ जॉब क्रिएशन, ग्रोथ, अलाइन विद यंग पीपल एंड देयर, यू नो, पैशंस टू अ लार्ज एक्सटेंट। एंजल टैक्स जो बोलते हैं, जो फाइनली अबॉलिश हुआ, यू नो, वो वर्ड एंजल इन्वेस्टिंग से शुरू हुआ था। एंजल विल हेल्प यू गो हायर, यू नो, एंड वी हैड दिस वर्ड टैक्स अटैच, वो कोई कहीं भी दुनिया में नहीं था। यू नो, तो आई एम सो ग्लैड दैट दैट इज़ गॉट अबॉलिश। तो बहुत सी चीज़ें करेक्ट करी गई हैं और फ्यूचर के लिए बनाई गई हैं। आई थिंक ये जो बजट है, अगर आप इसकी फिस्कल प्रूडेंस देखिए तो 4.9% में जो फिस्कल डेफिसिट रखा है, पर उससे और इम्पॉर्टेंट है कि अगले फ्यूचर का 4.5% वगैरह, यू नो, द डायरेक्शन भी दिया गया है। आई थिंक ऑल्सो वॉट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू लुक एट, ये जो 9 बकेट्स जो ऑनरेबल निर्मला सीतारमन जी ने ये जब डिफाइन की, आप एक एक बकेट देखिए, हर एक में प्रोग्रेसिव ग्रोथ टुवर्ड्स विकसित भारत की कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये बजट सिर्फ इस साल के लिए नहीं है बल्कि अगले 5 साल के लिए फुटस्टेप है। मैं तो कहूँगा अगले 25 साल तक अगर यही बजट यही फ्रेमवर्क में रहा, प्रायोरिटीज़ चेंज होंगी, यू नो, बट जहाँ तक समझिए आप, इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज हमको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़्यादा ज़रूरत है, हमको एक्चुअली अभी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत काम करना है। हम वी आर द फर्स्ट कंट्री जिसने दुनिया में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वर्ड ही कॉइन किया है। अभी किस तरह से जहाँ पे 1.4 बिलियन लोग हैं उनको बेनिफिट आता है, बिकॉज ये एक लेयर आता है, इसमें हमने पेमेंट्स की। आज सीतारमन जी ने कहा कि अभी वो हेल्थ में जाएंगे, एग्रीकल्चर में, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एम्फेसिस आया है। फॉर एग्जांपल, ऐसे हर 9 बकेट में आप देखिए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। आई थिंक इट्स अ वेरी पावरफुल वर्ड, इनोवेशन। यही पूछना चाहता था कि जिस तरीके से डिजिटल टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है, अभी तक हम लोगों ने पेमेंट में देखा, फाइनेंशियल वर्ल्ड में देखा कि डिजिटल को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। कहीं ना कहीं ये भी कारण रहा है कि आज के डेट में जो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं वो फिनटेक में देखे जाते हैं, लेकिन अब इसको एग्रीकल्चर में आप एक्सपैंड कर रहे हैं, आप इसको दूसरी जगहों पे हेल्थ केयर में आप एक्सपैंड कर रहे हैं। आप इसको किस तरीके से आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं और कितना बड़ा कदम है ये हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से कि आप हर चीज़ को डिजिटलाइज कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी आसान करती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कहीं ना कहीं कोविड रहा है। यूएस के लोग, यूके के लोग एक कागज़ में अपना कोविड वैक्सीनेशन लेते थे और हम अपने मोबाइल में दिखा पाते थे। तो इस बूस्ट के बाद किस तरीके का बूस्ट मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल में, मेडिकल में और एग्रीकल्चर में? बहुत से, एंड एक्चुअली द बेस्ट पार्ट अबाउट डिजिटल इज इट मेक्स अफोर्डेबिलिटी बेटर, यू नो, क्योंकि अल्टीमेटली जब डिजिटल आता है इट इज़ अ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ थिंग्स। तो हर चीज़ जो पहले आपको एक्स होती थी वो प्राइस, तो भारत एक देश है हु हैज़ टू फॉर इंक्लूसिविटी ड्राइव प्राइस परफॉर्मेंस, कि हमको हर भारतीय कंज्यूमर अगर आप देखिए विल डिमांड बेटर परफॉर्मेंस, लोअर प्राइस, एंड दैट इज़ एन ऑन गोइंग कर्व। ओनली टेक्नोलॉजी कैन एनेबल दैट। तो आई थिंक दिस ये जो टेक्नोलॉजी की आपकी जो बात की है, सारे अगर आप दुनिया के $1 ट्रिलियन कंपनी मार्केट कैप वाले देखिए, सब टेक्नोलॉजी वाले ही हैं, एक पेट्रोल कंपनी छोड़ के। तो टेक्नोलॉजी इज़ द फ्यूचर। और मेरा ये मानना है कि वी आर एट द बिगेस्ट टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन दैट मैनकाइंड हैज़ एवर सीन। बिकॉज यही नहीं कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है, आप देखिए मोबाइल फ़ोन का पेनिट्रेशन कितना हो गया, वो उस पर भी उन्होंने ड्यूटी थोड़ी कम की है, वो भी यंग लोगों के हाथों में ज़्यादा है। आप अगर देखेंगे ये पूरी जो इकोसिस्टम है, 6G आएगा, इमर्सिव टेक्नोलॉजीज आएंगे, Gen AI इज़ गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड। अभी इन चीज़ों में हमारी गवर्नमेंट एक ऐसी है जो उसको एक ग्रोथ ड्राइवर मान के पोजीशन किया है इस बजट में। तो आई थिंक ये सब काफ़ी फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स है। आप डिजिटल की बात करते हैं और ये सब चीज़ों में, स्पोर्ट्स में भी अभी जो ई स्पोर्ट्स है, सो वी बिल्ड इंडियाज़ लार्जेस्ट ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, वो भी ओलंपिक्स ई स्पोर्ट्स का अनाउंसमेंट हुआ है अभी रिसेंटली। तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल का जो यूज़ है वो सारे क्षेत्रों में आने वाला है, और उसमें जाके हाउ इंडिया कैन प्ले अ लार्जर रोल। इंडिया जर्नी ओवर द नेक्स्ट 25 इयर्स। इस तरीके से बात कर रहे थे ई स्पोर्ट्स के बारे में, आई रिमेंबर कि कुछ ही महीनों पहले पीएम खुद ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स गेमर्स से मिले थे, और कहीं ना कहीं उसके वजह से भी इम्पैक्ट आपको देखता है कि जिस तरीके से पीएम खुद इतना इन्वेस्टेड है इन सब चीज़ों में, ही पर्सनली हिमसेल्फ इज सो मच इन्वेस्टेड, इट इज इट मेक्स अ डिफरेंस। लेकिन मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, जिस तरीके से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ रहा है, यहाँ पे लोगों को नौकरी मिल रही है, लेकिन वहीं इकोनॉमी सर्वे में कल ये कहा गया जिस तरीके से AI आ रहा है, टेक्नोलॉजी AI टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में आ रहा है, एंड हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है, जहाँ पे हमारी जो वर्किंग एज है वो सबसे कम है। तो आगे चलते हुए AI आएगा, हमें जॉब क्रिएशन और करने पड़ेंगे। इस पूरे सिनेरियो को आप किस तरीके से रीड करते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आगे चलते हुए इन सब चीज़ों को और इम्पैक्ट करेंगी? सो आप अगर देखते हैं तो जब भी बड़ी रेवोल्यूशन आई है, एक्चुअली न्यू जॉब्स हैव गॉट क्रिएटेड। तो जब वो कंप्यूटर आया तो वही बोले, और अल्टीमेटली 2000 में उसी के कारण इंडिया इतना आगे बढ़ा क्योंकि पूरी हमारी जो IT इंडस्ट्री उस पर बनी थी। उस समय भी बोले कि ये जो फिजिकल जॉब्स हैं वो सब चले जाएंगे। ऐसे हर बार जब रेवोल्यूशन होता है, आप स्टीम इंजन से लेके अभी तक वो हुआ है। दिस इज़ वन ऑफ दोज फेजेस। पर जेनरेटिव AI से कौन से नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, उसके लिए हमको दो चीज़ें की वी हैव टू कीप इन माइंड। वन इज़ आज की जो युवा है हैज़ टू कंटिन्यू टू लर्न एंड अडेप्ट न्यू स्किल्स, क्योंकि नए तरीके की स्किल्स लगेंगे। तो पहले बोलते थे ना करियर फॉर अ लाइफ टाइम, नाउ इट्स अ लाइफ टाइम ऑफ करियर्स। अभी बोलते हैं जॉब, अभी बोलेंगे इट इज़ लाइवलीहुड। तो कभी आपने डिलीवरी बॉय का काम किया, हम जस्ट सेइंग शाम को, कभी दूसरा कुछ किया, तो लाइवलीहुड हमारी इनकम कहाँ से आएगी और कैसे आएगी, उस तरीके से देखना है। तो इसीलिए मुझे लगा कि मैंने आपको कहा कि जो एम्फेसिस है ऑन स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप, इसके क्रॉस सेक्शन पे नए बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और दुनिया में एजिंग पॉपुलेशन हो रही है, भारत एक ऐसा देश है जिनके पास युवा है एंड एक्चुअली स्केल में है। वी हैव हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ 1 in 11 पीपल, 1 in 11 में इज़ एन इंडियन अंडर द एज ऑफ 25 टुडे। तो अगर आप अगले 25 साल विकसित भारत की तरफ देखें, इंडिया विल हैव द लार्जेस्ट रोल टू प्ले, एंड वी विल नॉट बिकम अ सुपर पावर, वी विल बिकम अ सुपर पार्टनर टू द वर्ल्ड। दैट विल बी आवर अनलीशिंग ऑफ सुपर पावर। तो वो जो अगर आप वैसे सोचें भारत का फ्यूचर, तो ये जो बजट है अगर उसी बकेट्स में, उन्हीं चीज़ों में बहुत ही सस्टेन मैनर में हमने अगर करेक्ट प्रोग्रेस, करेक्ट प्रायोरिटाइजेशन किया। अच्छा, इस बार स्टेट और सेंटर का भी काफ़ी इंसेंटिव फॉर डूइंग मोर डिजिटल रिफॉर्म, ये वो सब बातें हुई थी। तो आई थिंक वी विल वर्क एज अ गुड कोलैबोरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर। इंडिया हैज़ a great future potential. If we can get it right, industry, government, youth, women, everyone working together, building trust to change India. तो ये थे हमारे साथ राजन साहब, जेटलाइन ग्रुप के डायरेक्टर हैं अभी, और इन्होंने ये बताया किस तरीके से यूथ के लिए कितना बड़ा और कितना इम्पॉर्टेंट ये बजट रहा, और इसी के साथ साथ देश की पोटेंशियल क्या है और किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री चीज़ों में इन्वेस्टेड रहते हैं, जिसके वजह से EA स्पोर्ट्स इस बार ओलंपिक्स में भी जा रहा है और साथ ही में हमारे देश में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। जी बिजनेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।